Good evening, everybody. I mean, it not necessarily might be a evening when you're watching this, but anyways, अभी फिलहाल शाम हो रही है. And in this video, I'll be showing you the tools, the basic tools necessary. Basically, मेरे पास क्या क्या tools है ये सब दिखाऊंगा और उसमें से कौन से must have है और कौन से optional है, मतलब नहीं भी लिए तो भी चलेगा, ये सब आपको बताऊंगा. अगर आपका budget tight है तो वो आपको इस video से समझ जाएगा. ऑल्सो पार्ट्स के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने जो वीडियो बनाया था वो बैंगवुड का है और अभी बैंगवुड बंद हो चुका है, तो पार्ट्स का वीडियो मैं थर्सडे को शूट करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड तनुज, क्योंकि तनुज को सब अपडेट्स रहते हैं. हाँ, तो थर्सडे को वो शूट करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे को वीडियो आ जाना चाहिए. आज है मंडे, तो आज मैं टूल्स वाला बनाता हूँ. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आपको ये मिक्सर लेना पड़ेगा 15,000. नहीं, नॉट जस्ट किडिंग, बट ये रेडियो ज़रूर. नहीं, ये भी नहीं लेना पड़ेगा, जस्ट किडिंग. तो रेडियो का मैंने वीडियो सेपरेट बनाया, इसमें सिर्फ मैं टूल्स कवर करूँगा, मटेरियल्स एंड टूल्स अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल पार्ट्स ऑफ द ड्रोन. आपको क्या क्या लगने वाला है तो जितना मेरे दिमाग में आ रहा है मैं कवर करूँगा. अगर कुछ छूट जाता है तो देखते हैं बाद में, मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा अगर कुछ छूट गया तो. ओके, बट जितना मेरे ध्यान में आता है मैं बताता हूँ. बेसिकली ये वाली चीज़ बहुत काम की है, ठीक है. 50 रुपये का आता है, कोई भी इंडियन इलेक्ट्रिकल वेबसाइट बोल रहा हूँ, शॉप पे, लोकल शॉप पे मिल जाएगा 50-60 रुपये का, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. इस पे एक स्क्रू होता है, ये वाला छोटू वाला. मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये ऑप्शन है अगर आपको वो यूज़ करना है तो वायर के साइज़ के हिसाब से आप स्क्रू सेट कर सकते हो, तो मतलब वो वायर काटेगा नहीं. तो आप इसे वायर छील भी सकते हो और वायर कट भी कर सकते हो. दिस इज़ वेरी यूज़फुल. ओके, डन. सेकेंड, सीजर्स, बिकॉज वाई नॉट, ठीक है, सीजर्स भी कॉमन सी चीज़ है. थर्ड, आपको एक टाइप का क्या बोलते हैं, फोर्सेप लगेगा. तो फोर्सेप आप ये टाइप का भी ले सकते हो, सादा जो आता है. अगर आप ऐसा बेंट नोज़ वाला लोगे ना, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से कर्व्ड है थोड़ा सा, सो दिस इज़ मोर बेनिफिशियल अगर यू नो ड्रोन के अंदर वायर्स इधर उधर लेके जाने. तो कर्व्ड वाला आई पर्सनली थिंक इज़ बेटर, एंड इट इज़ बेटर, ठीक है. तो इधर आप ये ले सकते हो, या फिर आप ये भी ले सकते हो, ये थोड़ा महंगा आता है और कुछ कुछ काम इससे अच्छे से हो जाते हैं कुछ, क्योंकि इसमें एक दिक्कत होती है कि आप इसमें ज़्यादा प्रेशर से नहीं पकड़ सकते. तो जैसे 14 गेज या ऐसा बैटरी वाला जो वायर है मोटा वाला, तो उन चीज़ों के लिए मेरे को ये वाला हैंडी आ जाता है. ऐसा नहीं कि उसके साथ कर ही नहीं सकते, बट इससे आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से पकड़ पाओगे. आई डोंट यूज़ दिस टू मच, ओके, कभी कभार ही लगता है मोटे वायर्स के लिए. एंड ये भी ऑप्शनल चीज़ है, बट दिस इज़ वेरी नाइस. ये मैंने 20 रुपये का लिया था चोर बाज़ार से, एंड दिस इज़ कर्व नोज. आई डोंट नो व्हाट दिस दे कॉल दिम, बट ये लॉकिंग वाले सीजर टाइप में यहाँ पे आगे ग्रिप्स है, मतलब ये सीजर नहीं है. तो यहाँ पे मैं कुछ फंसा के उसको टीचू लॉक कर सकता हूँ, तो लॉक हो गया अभी, यू नो यू गेट द पॉइंट, ठीक है. तो ये हो गया प्लायर्स का मामला, ये हो गया वायर कटर का मामला. और एक बेसिक स्क्रू ड्राइवर सेट ले लेना, तपारिया कंपनी का आता है, 200-300 रुपये का ये आएगा. इसमें मल्टीपल बिट्स होते हैं, नॉर्मल इन जनरल आपको हाउस होल्ड एप्लीकेशन में भी काम आ जाएगा. और एक जनरल स्क्रू ड्राइवर होना अच्छी बात है. ड्रोन में तो सिर्फ एलन कीज ही हमको लगती है, हेक्स ही हमको लगता है, बट वंस इन अ वाइल यू माइट नीड दिस, जैसे रेडियो कंट्रोलर के अंदर वगैरह कुछ करना है. तो यू नो इन जनरल इट्स जस्ट नाइस टू हैव, अगर ले सकते हो, सस्ता भी आता है 200-300 का, ये ले लेना. ओके, डन. थर्ड, सोल्डरिंग आयरन, बट अभी स्क्रू ड्राइवर पर आया तो पहले ये कवर कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर्स का. मेरे पास देखो एक प्रिसीजन सेट भी है स्क्रू ड्राइवर का, ये 1800 का कुछ तो लिया था मैं, 800 या 900 का लिया था मैं शायद. तो इसमें बारीक वाले सारे बिट्स हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस टू हैव, बट ये मैं हार्डली 2 या 3 बार यूज़ किया हूँ 3 साल में, तो आपको समझ गया हो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. चौथा, मल्टीमीटर,
ठीक है, मल्टीमीटर 150 रुपये का लिया है, दिस इज मोर देन इनफ। 150 रुपया देख, इससे महंगा लेना चाहते हो या कुछ और अच्छा लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, बट 150 का है, 4 साल से मैंने बैटरी भी नहीं बदली और देखो अभी भी चल रहा है विदाउट एनी इश्यूज़। तो जस्ट नॉन ब्रांडेड सी चीज़ है, इसको मैंने पीछे मैग्नेट लटका है ताकि मैं इसको कहीं पे भी चिपका सकूं, यू गेट द पॉइंट। तो दैट इज़ इट, मल्टीमीटर ले लो एक, दिस इज़ मस्ट हैव, ओके ये लेना ही है आपको, कितना भी सस्ता लो बट लेना ही चाहिए आपको। ये मैं इसको रिपेयर भी किया, 2-3 बार वायर टूट गया था तो। एंड इससे आप स्मोक स्टॉपर का भी काम एलिमिनेट कर सकते हो बज़र फंक्शन पे डाल के। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ इसको कैसे यूज़ करते हैं बेसिक फंक्शंस, तो मेरे को बताना, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। ओके बेसिक ये सारे फंक्शंस आपको सीखने की गरज नहीं, 3-4 मेन फंक्शन सीख लिए तो भी काम हो जाता है। नेक्स्ट यू विल नीड अ हेक्स स्क्रू ड्राइवर सेट और एन एलन की सेट। तो ये देखो मेरे डेस्क पे ये पड़े हैं, ये मैंने 500 या 1000 का लिया था, इसके जगह आप एलन कीज भी ले सकते हो, 15-20 रुपए की एक एलन की आती है, आपको इन साइजेस की एलन की लगेगी, बेसिकली फ्रॉम 1.5 to 3 mm, सबसे ज़्यादा जो लगता है वो है 2 mm हेक्स। ओके एलन की और हेक्स एक ही बात होता है ना, तो कोई हेक्स ड्राइवर बोलता है और एलन की बोलता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है। हेक्सागोनल शेप का इसका ड्राइवर होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर का ऐसा होता है ना प्लस या माइनस, वैसे ही हेक्सागोनल होता है, मेनली 1.5 और 2 ही लगता है, एक हाथ बार यू नो लग जाता है 2.5, तो लेके रख लो थोड़े साइजेस इस रेंज के। एंड नॉर्मल एक हेक्स ड्राइवर अगर मेरे को मिला सेट तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप हेक्स ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ एलन की ले लो, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड देन गेट दिस, दिस इज़ वेरी यूजफुल। ओके हो गया, देन पेपर टेप ले लो क्योंकि क्यों नहीं, काम आती है टेम्परेरीली, अगर कोई चीज़ कहीं पकड़ के रखनी है तो पेपर टेप मैं यूज़ करता हूँ, सादी टेप है, इलेक्ट्रिकल टेप मस्ट हैव। ओके बाकी टेप्स नहीं भी लिए तो भी चलेगा बट इलेक्ट्रिकल टेप तो ले लेना, 10 रुपये की आती है, 2-4 लेके रख लो स्टॉक में, है ना, लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया तो स्टॉक ख़त्म नहीं होना चाहिए टेप का, टेप ही टेप, टेप ही टेप, जहाँ देखो टेप ही टेप, और टेप का ख़जाना है, मैंने इनफैक्ट कुछ ले जाके घर पे रखे क्योंकि इधर बहुत टेप हो गए थे तो इतने में टेप यूज़ नहीं करता, जस्ट रखे हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल टेप ही आपको लगेगी। और यू नो मेरे को अलग चीज़ों के लिए अलग टेप यूज़ करना अच्छा लगता है, और इसमें मेरे को एक और ऐड करनी है, कैप्टन टेप, विच इज़ हीट रेजिस्टेंट टेप, बट यू नो मेरे पास अब तक नहीं है, इसका मतलब यू नो दैट इज़ नॉट नेसेसरी, तो सिर्फ नेसेसरी ये वाली है, ये वाली लोगे तो भी काम हो जाएगा, बाकी के आपके नीड के हिसाब से आप ले सकते हो। ओके देन यू विल एक मार्कर ले लोगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना, सोल्डरिंग आयरन पे आते हैं, मार्कर लेबल करने के लिए चीज़ों को, सोल्डरिंग आयरन ये मेरे पास सिक्योर D60 है, दिस इज़ आई थिंक अ 50 और 60 वॉट सोल्डरिंग आयरन, हाँ 60 वॉट है क्योंकि 60 है ना, या आई बिलीव इट इज़ 60 वॉट। इसके रिप्लेसेबल टिप्स है, ये मैंने 2500 की ली थी, आई थिंक इंडियन वेबसाइट्स पे भी मैंने देखा है इसको अवेलेबल, मैंने तो बैंगलोर से लिया था बट इंडियन वेबसाइट्स पे भी है, तू जो RC पे मैंने देखा था। सो 60 वॉट की जो सोल्डरिंग आयन है वो आपको स्पेशली जो बैटरी के वायर्स है ना मोटे वाले ऐसे वाले XT60 में जो लगते 14 गेज 12 गेज, उसके लिए काम आएगा, उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा इनफैक्ट वो, क्योंकि मेरे पास पहले जो थी वो ये थी, इसको मैंने ऑलमोस्ट 2 साल वगैरह यूज़ किया है, 1.5 साल 2 साल यूज़ किया है, मतलब बहुत रिसेंटली मैंने वो वाली ली है, तो उसके पहले तक मैं ये यूज़ करता था सोल्ड्रॉन की। सोल्ड्रॉन इज़ एन अमेजिंग कंपनी, और अगर आप 2000 की वो नहीं लेना चाहते, आई थिंक 500 या 600 की सोल्ड्रॉन की ही 60 वॉट 80 वॉट की सोल्डरिंग आयन आती है, तो आप वो भी ले सकते हो, उसको आप बैटरी से भी पावर कर सकते हो, वैसे वाले भी आते हैं, तो soldron.com पे जाओ, इंडियन में ही ब्रांड है आई बिलीव, एंड उनके बहुत सस्ते और डिसेंट क्वालिटी सोल्डरिंग आयन मिलेगा आपको। और देखो डिसेंट क्वालिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेंटेनेंस पे भी आपकी डिपेंड करता है कितनी, तो ये मेरी एकदम पुरानी है बट इसकी आप देखोगे टिप अभी तक सिल्वर है क्योंकि मैं टिप क्लीन करते रहता हूँ, एक सोल्डरिंग पे वीडियो भी बनाया मैंने, तो इट्स योर हैबिट्स
दैट हेल्प यू गेट अ गुड सोल्डरिंग जॉब डन. ऐसे आयरन से आपके 99% काम हो जाएंगे FPV से रिलेटेड. सिर्फ जो बैटरी का वायर मैंने बताया उसके लिए आपको हायर वोल्टेज की हेल्पफुल होगी. इससे करने जाओगे तो बहुत माथा पच्ची हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा. पॉसिबल है क्योंकि मैंने किया है, बट यू नो ज्यादा देर तक सर्किट बोर्ड को हीट करना अच्छी बात नहीं होती. साधारण साबुन जहां एक मिनट लेता है, लाइफबॉय लिक्विड हैंड वॉश दे 99.9% कीटाणुओं से सुरक्षा सिर्फ 10 सेकंड में. तो वो आयरन एक्स्ट्रा है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, आई एल गिव इट अवे ऑन डिस्कॉर्ड. ओके. हाँ, सोल्डरिंग आयरन के साथ कुछ चीज़ें जाती है. ऑफकोर्स सोल्डरिंग वायर आपको लगेगा, है ना, उसके बाद सोल्डरिंग फ्लक्स लगेगा. ये दोनों आप रोबू से ले सकते हो, इट इज़ डिसेंट क्वालिटी फ्लक्स. अगर ओसवाल का आप ओरिजिनल, ओसवाल का डुप्लीकेट भी आता है आप, तो ओसवाल का उसमें स्टिकर लगा होता है ओरिजिनल में, ऐसा नहीं इस पर नहीं है. तो ओसवाल का ओरिजिनल सोल्डर लोगे तो भी काम हो जाएगा. और ये नोएल वाला लोगे रोबूस है, तो ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ. आई एम फाइंडिंग इट प्रिटी गुड क्वालिटी. ओके, डिसेंट क्वालिटी, नॉट बैड. उस वाला का डुप्लीकेट भी मिलता है, तो उसका होलोग्राम स्टिकर चेक कर लेना. डुप्लीकेट वाला यूज़लेस है, उसको कोई काम का नहीं है. मेरे पास एक बार गलती से आ गया था. नहीं तो ओसवाल बहुत अच्छी कंपनी है फॉर सोल्डरिंग वायर. ओके. टिप क्लीनिंग के लिए आप ऐसा कुछ ले सकते हो, या तो एक स्पंज आता है टिप क्लीनिंग के लिए, ये मैंने 200 रुपये का लिया था आई गेस. और एल्स अगर आप बहुत ही गरीब हो या ज़्यादा मतलब बजट बचा नहीं है, तो नॉर्मल एक कपड़ा रख सकते हो उसको शोल्डर. अभी कैसे बताओ यार, कपड़े से आप क्लीन कर सकते हो अगर बहुत ही गरीबी हो गई है तो. बट यू नो आई वुड रियली रिकमेंड समथिंग लाइक अ ब्रास वुल और यू नो सोल्डरिंग क्लीनिंग के लिए ऐसा कुछ. तो दिस इज़ माई प्रेफर्ड मेथड. एंड ये मैंने DIY सोल्डरिंग विक भी काम आ जाती है, तो कहीं से सोल्डर रिमूव करना है ये भी मतलब इट्स नाइस टू हैव, नॉट नेसेसरीली टोटल. ये मैंने बना लिया एक टूटे हुए स्पीकर का, तो स्क्रूज जो है वो मैग्नेटिकली इसमें चिपक जाते हैं. तो जैसे मैंने ड्रोन के स्क्रूज खोले, ये इसमें पूरे चिपक जाएंगे. और इस पर मैं, ये मैंने एलिगेटर क्लिप से अटैच किया, तो मैं इसमें वायर पकड़ के या कोई सर्किट पकड़ के सोल्डर कर सकता हूँ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, एकदम DIY बनाया मैंने. ओके, ये कर सकते हो. नेक्स्ट, ऐसा कुछ तो क्ले या रबर टाइप आपको US में तो ब्लू टैग बोलते हैं, इंडिया में ये मैंने फेबर कैसल का इरेजर लिया है. इट वर्क्स ओके, बट इससे बेटर भी कुछ कुछ चीज़ें आते हैं. ये बेसिकली फ्लेक्सिबल क्ले जैसा टाइप है. कुछ कुछ क्ले होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, तो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो अच्छा वाला रहेगा ना. ये बेसिकली वायर होल्ड करने के लिए और सर्किट बोर्ड होल्ड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है. इसमें ऐसे वायर दबा दो फंस जाता है, और सही है. इससे टाइम पास भी कर सकते हो कुछ कुछ बना बना के. और क्या टू, हाँ, कटर. कटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है. लाइटर बहुत ज़रूरी है हीट श्रिंक करने के लिए, ठीक है. तो वैसा अगर छोटे हो तो घर पे कन्विंस करके लाइटर ले लेना, हीट श्रिंक के लिए लगता है. सोल्डरिंग पंप मेरे को कभी काम नहीं आया, मैंने लेके रखा है सिर्फ ऑनेस्टली, तो ये काम में नहीं आता है ज़्यादा. उसके बाद फाइल है मेरे पास, हाँ फाइल ले लेना, एक फाइल काम में आती है. तो ये कारपेंट्री वाली, ये मेटल वाली फाइल है आई बिलीव. और एक बारीक वाली फाइल का भी सेट आता है जो कि मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, इसलिए मेरे को दिख भी नहीं रहा है अभी. और एक चीज़, ये वाली नाइफ़ ले लेना, क्या बोलते हैं, क्राफ्ट वाली नाइफ. हम इसको सर्जिकल नाइफ बोलते थे, बट ये क्राफ्ट वाली है. सर्जिकल थोड़ी अलग होती है, बेसिकली द सेम, बट यू नो ऐसे टाइप की नाइफ ले लेना एक. उसके बाद टूथब्रश एक ख़राब, अगर घर पे पड़ा होगा, अल्कोहल से सर्किट बोर्ड या चीज़ें क्लीन करने के लिए. अल्कोहल ऐसी बॉटल आती है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिली है आपको, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, इसको पीना मत, टॉक्सिक रहता है, मर जाओगे. जिप टाइज वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी, ठीक है, मस्ट हैव. हार्डवेयर शॉप में मिल जाएंगे, 2-3 साइज़ के मिलते हैं. ये देखो, ये मेरे हाथ के हिसाब से साइज़ देख लो, इतने साइज़ का इज़ गुड इनाफ, ठीक है. ये हो गए जिप टाइज. बस बाकी कुछ एसेंशियल नहीं है, ये मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ जो मेरे पास है, जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ. ये एक स्टैंड ऑफ का सेट है, ड्रोन फ्लाइट कंट्रोलर माउंट करने के लिए स्टैंड ऑफ है अलग अलग साइज़ के, ठीक है. ये कहाँ मिलेगी, ये मैं एज आई मैंशनड
ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये मेटल वाले स्क्रूज एंड नट्स है, एलन की वाले, हेक्स वाले, कैप हेड, ये कुछ वायर्स है सिलिकॉन वायर्स अलग अलग साइजेस के, इसके साइजेस भी मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके, बेसिकली 28 गेज से लेकर 14 गेज के वायर्स आपको लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर यूजिंग इट फॉर, ठीक है। तो ये हो गए वायर्स, फ़िलहाल वायर्स के लिए मेरे पास ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, XT60 स्पेयर्स है मेरे पास, तो आई थिंक टूल्स कवर हो चुके हैं, और कुछ तो मेरे को लगता ही नहीं है। इधर पेंट ब्रश है धूल साफ़ करने के लिए, बट ये ड्रोन के लिए नहीं है, और क्या पेंसिल वगैरह ही है, कटर है, बस हो गया मैट। हाँ, अगर आपका टेबल आपको गंदा नहीं करना है शोल्डर के ड्रॉप्स से, तो आप एक अच्छी मैट ले सकते हो या ख़राब मैट ले सकते हो। ये मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से ले ली थी मैट, नॉट स्पॉन्सर बाय मैनकाइंड, उनको फ्री में मिलती है, तो मैंने बोला ऐसी मैट मेरे को मिल सकती है, उन्होंने बोला यही वाली लेके जा, तो मैं खुश, ये मैट मेरे को मिल गई। ये वाली मैट लुक्स कूल ऑनेस्टली, और ये बहुत अच्छी दिखती है, इसलिए मैंने ख़रीदा था, बट इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं है, ठीक है। दिस लुक्स कूल बट, तो आपको लेना है, पैसे वेस्ट करने तो कर सकते हो, ओके। बट कुछ भी मैट एक नीचे रख लेना जिससे आपका टेबल ख़राब नहीं होगा, ग्लास रहेगा तो ज़्यादा चांस नहीं है, लकड़ी, बट यू नो इट्स नाइस टू हैव एनी काइंड ऑफ मैट दैट यू कैन डर्टी, है ना। और एक चीज़ होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर सॉफ्ट मैट पे रहे तो इट इज़ बेटर रादर देन ऑन अ हार्ड सर्फेस। एक सोल्डरिंग की सिलिकॉन मैट भी आती है, वो भी आप ले सकते हो, बट आई फाइंड दिस गुड इनफ, ये माउस पैड की तरह भी काम करता है और बाकी चीज़ें भी हो जाती है मेरी इस पर, सो या गुड इनफ इज़ गुड इनफ। और मेरे टेबल पे क्या है, मेरे टेबल पे ये फ़ोन होल्डर है, तो अगर आप, आपके पास लैपटॉप वगैरह सेटअप नहीं है और आप ड्रोन बिल्ड करते वक्त बिल्ड वीडियोस देखना चाहते हो, तो सिंपल यूट्यूब खोल के इस पर लगा दो, ओके। तो ये फ्लेक्सिबल फ़ोन माउंट है जो कि वैक्यूम से चिपक जाता है, बट ये सिर्फ ग्लास टेबल पे ही काम करेगा, स्मूथ सरफेस पे, ग्लॉसी सरफेस पे ही काम करेगा, बाकी चीज़ों पे नहीं। सो या दिस इज़ हेल्पफुल इफ़ यू हैव अ ग्लास टेबल, ग्लॉसी टेबल। और स्केल बहुत ज़रूरी है ना, स्टील की लेना, ठीक है, और प्लास्टिक वास्टिक की लेके ज़्यादा मतलब नहीं है, स्टील की लेना। बस मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स भी है, बट वो कुछ काम आते नहीं है, जस्ट आपको अगर शौक है चीज़ें बारीकी से मेजर करने का तो यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ी महंगी आती है और उतनी यूज़ में भी नहीं आती, सो आई वुड से जस्ट स्किप दैट। मेरे पास ये हैंड ड्रिल बिट भी है, एक हाथ बार काम में आ जाती है, बट यू नो इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग टू यूज़ इट, बट कभी कभार काम आ जाती है, तो लेना है तो ले सकते हो, सस्ती 150 वगैरह की कुछ आती है, ठीक है। फिर मेरे पास ये मिस्त्री वाली टेप भी है, दर्जी वाली, मिस्त्री नहीं, और ये वाली टेप भी है, ये कोई काम की नहीं है, ठीक है, मतलब FPV के लिए नहीं काम की। हाँ, डबल टेप ज़रूरी है, डबल टेप बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो ये एक ट्रांसपेरेंट वाली डबल टेप आती है, Amazon या लोकल स्टेशनरीज पे भी मिल जाएगी। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ रीयूजेबल ऑल्सो, और बहुत गंदा बास आता है इसका, तो बट ये काम की है टेप एज अ डबल टेप। नॉर्मल जो येल्लो वाली डबल टेप आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, 3M वाली आती है वो भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, कोई भी डबल टेप ले लेना है। ये मैंने जस्ट, हाँ अभी जो नाइस टू हैव है वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। जैसे मैंने ये प्लास्टिक के बक्से ले लिए, मेरे पापा ने मेरे को लाके दिए, इसमें मैं अलग अलग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और ऑर्गेनाइज रहते भी है, ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिख भी जाता है कि इसमें क्या रखा है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया, ये हो गया, बेसिक स्क्रूज वगैरह मैंने अटैच ये करके रखे हैं, बस इतना जितना मैंने बताया ना उतने टूल्स नेसेसरी थे। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप करके दे दूंगा लिस्ट, आप उसी को अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हो और वो जाके ख़रीद सकते हो, ठीक है, लिस्ट आपको दे दूंगा, लगे तो मैं वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दूंगा अपनी लिस्ट, ओके। हीट श्रिंक इज़ मस्ट हैव, तो हीट श्रिंक फ़िलहाल मैंने ऐसी अनऑर्गेनाइज रखी है, आपको इसको अलग अलग साइजेस के हिसाब से सेपरेट रखना चाहिए, सो आई थिंक दिस इज़ 6 mm और समथिंग,
सो 3 mm से लेकर 8 mm या 14 mm तक लगेगी आपको। बेसिकली एंटीना, ESC, कुछ भी इंसुलेट करना है तो हीट श्रिंक बहुत काम आती है। जैसे इसमें मैं वायर डालूँ और इसको लाइटर से या हीट गन से किसी भी चीज़ से हीट करूँ तो ये श्रिंक हो जाती है और उसको उसको इलेक्ट्रिकली इंसुलेट कर देता है। और हीट को श्रिंक करने के लिए मैं बताया लाइटर भी यूज़ कर सकते हो और हीट गन भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं 350 की ली थी, बहुत सस्ती हीट गन है, इससे काम हो जाता है। बट मैं इसको साल, 1 साल से ज़्यादा से यूज़ ही नहीं किया हूँ। लाइटर से ही बहुत इनफ, मोर देन इनफ, गुड इनफ काम हो जाता है। हीट गन जस्ट लुक्स कूल, ठीक है, बट तो ज़्यादा पैसा आपको खर्च नहीं करना है तो वो हीट गन अवॉइड करना लेना। यस, ग्लू गन इज़ वेरी नेसेसरी, ग्लू गन डेफिनेटली ले लेना, ठीक है। ग्लू स्टिक्स भी 10-15 लेके रख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्रोन बना रहे हो तो मे भी आपको RC प्लेन्स में भी इंटरेस्ट है। तो ग्लू गन और ये डेप्रोन की शीट, सिर्फ इससे आप ऐसे टाइप का मॉडल बना सकते हो। सो ऐसे कुछ मॉडल्स मेरे पास रखे हुए, और ड्रोन बिल्डिंग में भी काम आता है चीज़ों को सील वगैरह करने के लिए। तो ग्लू गन इज़ यू नो रियली नाइस टू हैव। टेक्निकली उसके बिना भी आप कर सकते हो, बट उसकी यूटिलिटी इतनी अच्छी है और इतना जनरल पर्पस वो काम की चीज़ है कि मैं तो बोलूँगा ले ही लो भाई, है ना, काम में ज़रूर आएगी, क्यों नहीं। ग्लू गन घर के बाकी कामों में भी काम आ जाती है, ये दीवार से कुछ हुक वुक चिपकाना है जो भी है, ग्लू गन मस्ट हैव। प्लायर एक हाथ, कोई भी एक नोज प्लायर ले लोगे तो भी काम हो जाएगा, 50-70 रुपये का आता है। फेवी क्विक ले सकते हो आप, बड़ा वाला। दिस इज इट, ये छोटू सा मैंने फ़ैन लिया है, मेरे को 350 का मिला तो मैंने ले लिया, उठा लिया। इसको मैं यूज़ करता हूँ एज जो सोल्डरिंग के फ्यूम्स निकलते हैं उसको ये दूर पुश करता है। और अगर मैंने USB में प्रोग्राम कर रहा हूँ फ्लाइट कंट्रोलर और ज़्यादा हीट होने लगता है तो उसमें भी काम आ जाता है। तो ऐसा है, ये USB चार्जेबल सस्ता दिखा तो मैंने उठा लिया, ठीक है, बट वही नॉट एसेंशियल। ओ यस, प्रॉप टूल, प्रॉप टूल, प्रॉप टूल, प्रॉप रेंच लगेगी आपको। आई थिंक दिस इज़ 8 mm, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब इफ़ आई एम रॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा। आई बिलीव दिस इज़ 8 mm। ये आपके प्रॉप्स, ओ सॉरी, जो प्रोपेलर्स है उसको लूज टाइट करने में काम आता है। ये मैंने 250 रुपये का लिया चोर बाजार से, है ना। ये रैचेट वाला है, मतलब वन वे है, तो आप ये भी ले सकते हो। बट ये अगर नहीं ले, मेरे पास जब ये लेने के पैसे नहीं थे तो मैंने ये बना लिया था। मैंने क्या किया, ये मेरे को हार्डवेयर वाले ने आइडिया दिया, M8 साइज़ का बोल्ट ले लिया मैंने और उसको एक डंडी से वेल्ड कर दिया, तो ये टी बन गया इसका, मस्त टुचुक टुचुक टुचुक, प्रॉप टूल है ना, सस्ता जुगाड़। 20 रुपये में वो वेल्डिंग कर देगा। ये एलन बोल्ट है बेसिकली, तो ये मैं पहले यूज़ करता था बिफोर आई हैड दैट। उसके बाद मेरे पास एथिक्स का टूल आ गया, तो मैं दोनों भी फ़िलहाल यूज़ नहीं करता। और अगर आप सोल्डरिंग आयरन और इतनी सारी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो पावर स्ट्रिप भी इज़ ऑल्सो गुड थिंग टू हैव। पावर स्ट्रिप आप GM का ले सकते हो, आई थिंक 400 का आता है, वन ऑफ द बेस्ट, या तो सस्ता वाला ऐसा ले सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारे प्लग्स लूज लूज होते हैं, तो ये वाला बहुत अच्छा है, वो ले सकते हो। उसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह भी बहुत कुछ है, दैट इज़ इट। हाँ, अडहीसिव्स कैसे भूल सकता हूँ, चिपकाने वाली चीज़ें। तो ये वेलक्रो स्ट्रैप है, नॉट एसेंशियल। सिर्फ आपको शायद फेवी बॉन्ड लगेगा, शायद फेवी क्विक लगेगा, शायद थ्रेड लॉकर आपको मोटर्स के लिए लग सकता है। तो लॉक टाइट कंपनी का भी आता है और बाकी कंपनीज का भी आता है, ब्लू थ्रेड लॉकर, एरल्डाइट, एम सील। ये मैंने जनरल चीज़ें ना लेके रखी हुई है, ये मेरे को रोज़ रोज़ काम में नहीं आती है। एक हाथ बार एरल्डाइट, बट ड्रोन में मैंने आज तक एरल्डाइट यूज़ नहीं किया। तो हाँ, ये मतलब जस्ट एक जनरल अडहीसिव्स का डब्बा है मेरे पास, क्योंकि मेरे को टूल्स रखने अच्छे लगते हैं। तो एक हाथ बार भी लगा तो भी मैं वो, जैसे मैंने कुछ लिया और थोड़ा सा यूज़ किया तो फेंक तो नहीं सकते, तो सब उसको एक डब्बे में रखा है मैंने। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, रबर बैंड वगैरह। हाँ, और एक ये है, ये प्रिसिजन स्क्रू ड्राइवर्स का ना ऐसा बारीक वाला सेट आता है, खोल के दिखा देता हूँ। तो ये मैं पहले यूज़ करता था, मोबाइल रिपेयर वाले यही यूज़ करते हैं,
तो ये बारीक प्लस माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर्स हैं, मोस्टली काम में नहीं आते हैं, बट एक हाथ बार जैसे आप रेडियो कंट्रोलर खोल रहे हो तो उसमें ये बारीक बारीक स्क्रूज होते हैं, उसके लिए एक हाथ बार काम में आ जाते हैं एक हाथ बार। तो अगर आपको वो TBS वाला नहीं लेना है, ये काला वाला प्रेसिजन स्क्रू ड्राइवर सेट, तो ये ले सकते हो 200-250 का, मोबाइल रिपेयर शॉप्स में आपको अवेलेबल हो जाता है। कटर है, कटर के ब्लेड्स ले लेना, दैट इज इट। हाँ, टूल्स, एक चीज़ बच गई, जो टूल्स मैं बैग में लेके जाता हूँ। सो ये जो टूल्स है वो घर पे ही रहते हैं, सिर्फ सोल्डरिंग आयरन अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं बैग में लेके जाता हूँ। उसके बावजूद मेरे पास बैग के लिए एक सेपरेट टूल किट है, ये मैं अभी बना पाया हूँ, पहले मेरे पास ये नहीं थी। ठीक है, पहले मेरे पास एक ही सेट ऑफ एलन कीज थे, एक ही सेट ऑफ सारे टूल्स एक ही पीस थे मेरे पास, बट धीरे धीरे मैंने इसके लिए एक टूल्स का सेपरेट बैग बना दिया है, जो कि ये ड्रोन की बैग है ना, फील्ड पे जाती है, तो वो टूल्स मेरे को बार बार डालने निकालने की ज़रूरत नहीं। तो ये टूल्स वाली बैग है, ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है, फंक्शनल भी बहुत है, बट आई थिंक आप इससे बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये अमेज़ॉन पे मैंने ली थी, स्विस मिलिट्री वाली, इसका बहुत मतलब अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है, बट आई थिंक इसका हाफ जो कंपार्टमेंट है वो मैं यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ, तो आई थिंक आप इसको ऑप्टिमाइज़ और कर सकते हो, जो मैं नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 50 वाला प्लायर, एक हाफ राउंड वाली फाइल, ये मेरे फ्रेम के साथ फ्री मिली थी, तो दिस इज़ हाफ राउंड फाइल, ठीक है, यूज़फुल। एक कटर मैंने रखा है, एक लाइटर रखा है। हाँ, अगर आप प्रॉप टूल ज़्यादा महंगा नहीं ख़रीदना चाहते हो तो आप ये 20 रुपये की रेंच भी ले सकते हो, इससे भी काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एलन की का सेट, इससे भी सारे काम हो जाते हैं, हेक्स ड्राइवर सेट नहीं लेना। तो इलेक्ट्रिकल टेप रखा हूँ मैं, और ये सोल्डरिंग का स्पंज रखा हूँ, इससे भी काम हो जाता है, रोबो पे मिल जाएगा ये 20-30 रुपये का। ओके ओके, और थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर मैं डाला हूँ इसमें, दैट इज़ इट। उसके बाद ये प्रॉप्स की बैग है, एथिक्स की, ओवर रेटेड है ये बैग, ऑनेस्टली ओवर रेटेड है, ज़्यादा काम में नहीं आती है, बट अगर आपके पास पैसे हैं तो ये ले सकते हो, बट ओवर रेटेड है, पैसे इस पे ज़्यादा वेस्ट मत करना। इसमें क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज तीनों के अलग सेक्शन है, बट आई थिंक जो प्रॉपेलर ऑलरेडी एक पन्नी में आते हैं उसको भी आप लेके जाओगे तो भी काम हो जाएगा, और एक पन्नी आप रख सकते हो जो ब्रोकन प्रॉप्स है उसके लिए, टूटे हुए। उसके बाद एथिक्स का ये टूल है, ये भी हैंडी है, बट वो 20 रुपये वाली रेंज भी बहुत हैंडी है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कूल है। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी यूटिलिटी है, ऐसा मैं बहुत ही ज़्यादा डीमीन नहीं करूँगा इन चीज़ों को, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन। इसमें आपको कितना, 2.5 और 1.5, 2 और 2.5 एलन की मिल जाती है, तो और इससे प्रॉपेलर आप लूज टाइट कर सकते हो, दैट इज़ इट। और ये प्रॉपेलर के बैग में ही रहता है, क्योंकि प्रॉपेलर चेंज करना है तभी तो प्रॉपर टूल लगेगा। और एक चीज़ इसके बारे में मैंने नोटिस की कि इसको अगर आप धूप में रखते हो ना ज़्यादा, तो ये फ्लिम्जी हो जाता है, ये प्लास्टिक उस टाइप का मटेरियल है। एंड मेरे बैग में क्या है, पावर बैंक है, कुछ USB केबल्स हैं, यस, ये कार का जंपर केबल है। आई थिंक मैंने बैक का टूर वीडियो बना चुका हूँ, तो XT62 जंपर केबल, तो कार के बैटरी में मैं लगा के XT60 अपने चार्जर को दे सकता हूँ, ताकि मैं ऑन फील्ड चार्जिंग करनी पड़े तो कर सकता हूँ। ये 200 रुपये का मुंबई में मेरे को मिल गया था, दिस इज़ अ मल्टी बिट स्क्रू ड्राइवर सेट, एंड दिस इज़ सरप्राइजिंगली वेरी गुड, मतलब बहुत लो क्वालिटी भी फील नहीं होता है और काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। आई विल ट्राई टू शो यू हाउ फंक्शनल इट इज़। सो ये देखो, ये जो है ना, अलग अलग विड्थ से इसमें, ये हेक्स हेक्सागोनल वाली बिट है, 1.5 2.5 वाली, 2 मिलीमीटर वाली बिट है, ये देखो। सो वेरी कन्वीनियंट, आप समझ गए ना, बस टूल्स बैग में इतने ही हैं। ओके, नाउ दैट वॉज इट फॉर द टूल्स वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाने वाला हूँ ये ऑटोनोमस, मतलब सेमी ऑटोनोमस
प्लेन मेरा रेडी है विच ऑल्सो हैज़ FPV इन इट, तो ये फ़ोन नंबर छुपाना पड़ेगा। तो ये मतलब बादलों के ऊपर अगले उड़ाने के लिए FPV प्लेन मैंने बनाया है, इस पर GoPro वगैरह भी माउंट हो जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने वेबसाइट जो बनाई है उस पर ब्लॉग्स भी पोस्ट करूँ जो मैं जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है या टेक्स्ट फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो उनके लिए ब्लॉग्स पोस्ट करूँ। सो इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, वो मेरे को बताओ उसके सजेशंस। या गाइस, दैट वाज इट, मिनिमम टूल्स रिक्वायर्ड फॉर FPV। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू गाइस गॉट टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने को मिला, और जो दोस्त है आपका FPV में इंटरेस्ट हो सकता है उसको, तो उसके साथ वीडियो शेयर करो जिसको हेल्पफुल हो सकती है। बेसिक चीज़ें, ये बेसिक टूल्स जो है उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरे जितने प्रोजेक्ट्स मैं करता हूँ प्लेन्स वगैरह, इतने टूल्स में वो सब हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड, होप यू गॉट टू लर्न समथिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। सब्सक्राइब करो, 80% ऑफ माई व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइब, मतलब आते हैं वीडियो देखते और चले जाते, ऐसे 80% लोग हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन। है ना, इसको पीना मत, टॉक्सिक रहता है, मर जाओगे, मतलब मेरे को लगता है मर जाओगे, मरोगे कि नहीं पता नहीं। एनीवेज, इसको काट देंगे, ये ज्यादा हो गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास फाइबर ग्लास टेप है, पेपर टेप है, इलेक्ट्रिकल टेप है, सेलो टेप है, डबल टेप है, पूरी टेप ही टेप है। ये और एक एडिशनल आज एक मंगाई।